आपने बंटवारे को लेकर तो बहुत कुछ पढ़ा होगा, लेकिन आज हम आपको बंटवारे से जुड़े ऐसे कुछ फैक्ट बताने जा रहे हैं जिनके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा, ना ही कहीं पढ़ा होगा। एक ऐसा बंटवारा जिसने भारत का पूरा नक्शा ही बदल दिया। नंबर एक, क्या आपको पता है जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा किया वो कौन था? दोस्तों, उनका नाम था साइरिल रेडक्लिफ। एक जाने माने ब्रिटिश लॉयर ये थे और वो कभी भी भारत नहीं आए थे, यानी कि अंग्रेजों ने एक ऐसे आदमी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जिसे भारत के बारे में कुछ पता ही नहीं था। जाहिर सी बात है, उन्हें इस बात का कोई आइडिया भी नहीं था कि वो अपने इस काम को कैसे अंजाम देंगे, और इसी वजह से उन्होंने बिना सोचे समझे ये बंटवारा कर दिया, जिसका खामियाजा आज भी हम सभी भुगत रहे हैं। नंबर दो, जब विभाजन होना था तब देश में एक अलग मुस्लिम देश बनाने की बात कही जा रही थी, जिसका सीधा मतलब ये था कि रेडक्लिफ को एक ऐसा बॉर्डर बनाना था जिससे कि ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम पाकिस्तान में रह जाएं और ज्यादा से ज्यादा हिंदू और सिख भारत में। लेकिन रेडक्लिफ ने जो बॉर्डर बनाया उससे करीब 50 लाख हिंदू और सिख पाकिस्तान के हिस्से में आए पंजाब में रह गए, और वहीं करीब 50 लाख मुसलमान भारत के हिस्से में आने वाले पंजाब में फंस गए। नंबर तीन, रेडक्लिफ ये गलतियां तो कर ही रहे थे, लेकिन क्या आपको पता है कि उनकी किस गलती के कारण इतने लोगों ने अपनी जान खोई? दरअसल रेडक्लिफ ने दोनों देशों के बंटवारे वाली एक रिपोर्ट बनाई थी जिसमें इस बात का जिक्र था कि कौन कहां रहेगा, लेकिन इस रिपोर्ट को पेश करने में उसने देरी कर दी। रेडक्लिफ ने ये रिपोर्ट आजादी के दो दिन बाद यानी 17 अगस्त को पब्लिश की। इससे पूरे देश में एक अफरा तफरी वाला माहौल बन गया और रेडक्लिफ की इसी गलती के कारण इतने ज्यादा लोग मारे गए। नंबर चार, वैसे रेडक्लिफ ने अपना काम पूरी जिम्मेदारी से तो नहीं किया था, लेकिन क्या आपको पता है कि उसके काम में इतनी गलतियां होने के बाद भी उसे इसके लिए कितनी रकम मिलने वाली थी? आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि रेडक्लिफ को इस काम के लिए 2000 पाउंड मिलने थे, लेकिन उनके द्वारा किए गए बंटवारे से ना तो इंडियन लीडर खुश थे और ना ही पाकिस्तानी लीडर। इससे रेडक्लिफ नाराज हो गए और उन्होंने वो रकम लेने से इनकार कर दिया, और रेडक्लिफ इस घटना के बाद कभी भारत नहीं आए। नंबर पांच, वैसे तो भारत और पाकिस्तान बंटवारे के दौरान जमीन के साथ साथ बहुत कुछ बांटा गया था, कुछ पाकिस्तान के हिस्से में आया और कुछ भारत के। इन बंटवारों को लेकर भी काफी झगड़े हुए, लेकिन एक चीज ऐसी भी थी जिसका कोई झगड़ा नहीं हुआ, वो चीज थी शराब। दोस्तों, इस्लाम में शराब को हराम माना जाता है, इसलिए शराब को लेकर कोई बहस नहीं हुई और शराब भारत के हिस्से में आई। नंबर छह, दोस्तों इस विभाजन की शुरुआत कहां से हुई थी? इसका ठीक ठीक जवाब हर कोई नहीं दे पाता है। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि जब साल 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया तभी देश के विभाजन की भी नींव रखी दी गई थी। आपको बता दें कि 1905 में बंगाल का बंटवारा हिंदू और मुस्लिम आबादी के आधार पर हुआ था और यही से अंग्रेजों ने विभाजन की नींव तैयार की। नंबर सात, भले ही विभाजन साल 1947 में हुआ था, लेकिन क्या आपको पता है कि पहले भारत पाकिस्तान बंटवारा 1948 में होना था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इसके पीछे की वजह ये थी कि ब्रिटेन में सरकार बदल गई, नई सरकार इटली की बनी जो पहले ही इंडिया को आजाद करने की बात कह रहे थे, और सरकार के बदलने की वजह से एक साल पहले ही यानी कि 1947 को ही ये दोनों अलग देश बन गए। नंबर आठ, विभाजन के बाद बॉर्डर क्रॉस करने वाले लोगों की संख्या लाखों में थी। भारत सरकार की माने तो करीब 1.5 करोड़ लोगों को भारत से पाकिस्तान भेजा गया था, और आज तक इतने बड़े पैमाने पर इतना बड़ा विस्थापन नहीं हुआ। नंबर नौ, वैसे जब विभाजन हो रहा था तब कई लोगों ने बेहद अजीबोगरीब मांगे भी रखी थी। कुछ मुसलमान तो ताजमहल को साथ पाकिस्तान ले जाने की जिद कर रहे थे। उनका कहना था कि ताजमहल आखिरकार मुसलमान बादशाह ने बनवाया था, इसलिए इसे पाकिस्तान में होना चाहिए। तो वहीं हिंदू साधु सिंधु नदी की मांग को लेकर अड़ गए थे। साधुओं का कहना था कि चाहे जो भी हो जाए, सिंधु नदी पाकिस्तान नहीं जानी चाहिए, क्योंकि भारत की संस्कृति सिंधु गंगा और सरस्वती नदी के किनारे है और यहीं फली फूली है। नंबर 10, दोस्तों विभाजन का समय बहुत खराब था। जिस समय विभाजन हो रहा था उस समय गांधी जी नेताओं के साथ नहीं थे। वो बेहद चुनिंदा नेताओं में से एक थे जो देश में जगह जगह हो रहे दंगों को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। कोलकाता के नोआखली में तो वो बहुत दंगाइयों के बीच जाकर खड़े हो गए और उनका सम्मान इतना था कि दंगा शांत हो गया। नंबर 11, जिस वक्त पाकिस्तान एक अलग देश बना था उस वक्त उसके पास अपनी करेंसी नहीं थी। 1948 तक पाकिस्तान भारतीय नोटों पर अपनी मोहर लगाकर भारतीय करेंसी का इस्तेमाल किया करता था। 1948 के बाद पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपीज इस्तेमाल होना शुरू हो गए थे और इस नोट पर जिन्ना का फोटो था। नंबर 12,
1948 को प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने कुरुक्षेत्र रिफ्यूजी कैंप का दौरा किया था। ये कैंप 1,00,000 लोगों के लिए बनाया गया था, लेकिन इसमें 3 गुना लोग रह रहे थे। शाम को यहाँ सरकार की तरफ से डिज्नी फिल्म दिखाई जाती थी, जिसे एक बार में 15,000 लोग देखते थे। नंबर 13, अंग्रेज कितने बेरहम थे ये तो हमें पता ही है। इसका एक उदाहरण हमें 14 अगस्त 1947 को भी देखने को मिला, जब भारत को आजाद होने में कुछ ही घंटे बचे थे और जिस समय पूरे देश में हजारों हिंदू, सिख और मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा था। उस समय वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन अपनी पत्नी एडवीना के साथ मूवी देख रहे थे। नंबर 14, क्या आप जानते हैं इस बंटवारे में कितने लोग मारे गए और कितने लोगों ने अपना घर छोड़ा? दोस्तों, इस बारे में सच तो कुछ नहीं पता, लेकिन ये अंदाजा लगाया गया है कि 2,00,000 से लेकर 20,00,000 तक लोग मारे गए थे और करीब 1,40,00,000 लोगों ने अपना घर छोड़ा था। नंबर 15, इसी दौर में दिल्ली में एक तिहाई आबादी मुस्लिमों की थी। इनमें से एक बड़ी आबादी ने भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान का रुख करने का फैसला लिया था। नंबर 16, मौजूदा बांग्लादेश यानी पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान भले ही एक देश के तौर पर भारत से अलग हुए थे, लेकिन दोनों के बीच 1,700 किलोमीटर की सीमा लगती थी। नंबर 17, जब देश का विभाजन हुआ तब पाकिस्तान को बहुत कुछ दिया गया। आपको बता दें कि विभाजन के बाद पाकिस्तान को भारतीय सेना का एक तिहाई हिस्सा और 6 महानगरों में से 2 महानगर और कुल रेल लाइंस का 40% पाकिस्तान को दिया गया था। दोस्तों, ये थे वो फैक्ट जो हमारे देश के विभाजन से जुड़े हुए हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।